हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड द एड्रेस चैप्टर टू पार्ट टू। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है कि हॉलैंड में जो वार होता है उससे नैरेटर और उसकी जो मदर है वो हॉलैंड छोड़कर चले जाते हैं, और नैरेटर तब वापस हॉलैंड आती है तो मिसेस डॉलिंग है उनसे मिलती है, लेकिन मिसेस डॉलिंग उनको पहचानने से मना कर देती है। लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट टू। एवरी टाइम सी लिव्स हियर सी टेक्स समथिंग्स हो विद हर सैड माई मदर। मेरी मदर ने कहा कि ये जो मिसेस डॉर्लिंग है ये काफ़ी टाइम मेरे घर से कुछ ना कुछ ले जाती रहती हैं। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। एक बार तो वो सिल्वर टेबल लेकर गई, एंड देन एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और कुछ यूनिक प्लेट्स हैं वो भी वहाँ से लेकर गई जो मेरे घर में लटकी हुई थी। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेज एंड आई एम वरी सी गोट ए क्रैक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी। एक बार तो उसने बहुत ज़्यादा लगिंग बैग, बहुत ज़्यादा सामान कैरी कर लिया था, लार्ज जो वेसेज थे, फूलदान थे, वो कैरी कर लिए थे, और मेरी मदर थी वो बोलती कि मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंता में आ गई, कहीं उनकी जो बैग है उनमें ये सब क्रॉकरी उठाने से क्रैक ना आ जाए। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली। पीटी मतलब बहुत ही दयालुता से मेरी मदर है, उन्होंने अपना हेड पकड़ा। आई वुड नेवर हैड डार्क आस्क हर डेयर्ड आस्क हर। वो बोल उनकी मदर बोलती कि मेरी ये कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ सी इवन इंस्टिट। यहाँ तक कि मैं मुझे ये हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको ये बोल दूँ कि मेरा कुछ ज़रूरी सामान है वो आप रख लो। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। वो चाहती थी कि मेरी सभी अच्छी अच्छी चीज़ें सुरक्षित रहें। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शॉल लॉस एवरी थिंग सी सेज। उसने कहा कि अगर आप लोग ये सब यहाँ ही पे छोड़ दोगे तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए अच्छा है कि आप ये सारा सामान मेरे पास रख दो ताकि वहाँ पे सेफ रहे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरी थिंग आस्क्ड। और मेरी मदर है वो इन सब के लिए एग्री हो गई उनके पास सब कुछ रखने के लिए। एज़ इफ़ दैट इज़ नेसेसरी माई मदर क्राइड। मेरी मदर चिल्लाई इफ़ दैट इज़ ये सब कुछ ज़रूरी है इट वुड सिंपली बी अन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। मेरी मदर ने कहा कि अगर मैं उनसे ये सब पूछूंगी कि ये सब आप मुझे वापस लौटा देंगी तो ऐसा पूछना बहुत इंसल्ट वाला होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क सी इज़ रनिंग ईच टाइम सी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। नैरेटर कहती कि मैंने बहुत ज़्यादा ये रिस्की वर्क था, मिसेज जो डॉर्लिंग थी वो ये रिस्की वर्क करती थी, बहुत बार मैंने उनको अपने दरवाजे से फुल सूटकेस और बैग भरते हुए देखा था। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। मेरी मदर को ये लग रहा था कि मैं इस बात से राजी नहीं हूँ, कन्विंस्ड नहीं हो पाई हूँ कि ये सब मेरी मदर, ये जो हम औरत है ये हम हमारे लिए सब कर रही है। सी लुकड एट मी रिप्रोविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। और मेरी मदर ने मुझे सब स्ट्रिक्टली बोल दिया था इसलिए मैं कुछ और ज़्यादा नहीं बोली। मीन वाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। अब वो फिर से वापस अपने फ्यूचर में आ जाती है जहाँ पे वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती होती है, एंड नो अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे। और रास्ते में उसने किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। अब युद्ध लड़ाई के बाद वो अपना जो फैमिलियर प्लेस था जहाँ पे उसने अपना बहुत सारा टाइम बिताया था वहाँ से गुजर रही होती है। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। परंतु किसी भी चीज़ को नहीं देखती, क्योंकि होता है ना कि अगर हम अपनी पुरानी चीज़ों को देखेंगे तो वही यादें ताज़ा हो जाएंगी और वो फिर से उस दुख में नहीं जाना चाहती, इसलिए वो किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देती है। इट डिडंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रेस एंड हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम। और वो इस चीज़ इन सब चीज़ों को देख कर अपसेट नहीं हो जाती, नहीं हो होना चाहती, और ना ही वो स्ट्रीट और हाउसेस को देखती है जो उसके लिए फुल ऑफ मेमोरीज थे, मेमोरी से भरे हुए थे, और वहाँ पर उसने एक बहुत ही प्रीसियस टाइम, बहुत ही वैल्यूबल टाइम वहाँ पर स्पेंड किया था, तो इसलिए वो दुखी नहीं होना चाहती है। इन द ट्रेन बैक आई वॉज मिसिज डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर।
अब मैं जैसे ही ट्रेन में बैठ जाती है यहाँ पे नैरेटर, और देखती है कि मिसेस डॉलिंग है वो फिर से उसके सामने आ जाती है, कैसे जैसे वो उसे फर्स्ट टाइम मिली थी वैसे ही। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये मेरी मदर ने मुझे बताया था अबाउट मिसिज डॉलिंग है उसके बारे में। आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेज आई सा माई मदर अबाउट टू सी सम वे आउट। मेरी मदर ने ऐसा बताया था कि एक रात मैं गॉट अप लेट, बहुत लेट उठी और डाउन स्टेज से नीचे आई तो मैंने देखा मेरी मदर है वो किस मेरी मदर अबाउट टू सी सम वन आउट ए वूमेन विद ए ब्रॉड बैग, कि मेरी मदर के पास कोई औरत होती है उसका जो बैग है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो यहाँ पे वो औरत कौन हो सकती है, ये डॉर्लिंग हो सकती है। देर इज़ माई डॉटर सेंड माई मदर, और फिर से वो अपने पास्ट में जाती है और फिर बताती है कि मेरी मदर है वो किसी से बातें करती रहती है, वो मिसेस डॉलिंग होती है, और मेरी मदर कहती है कि ये मेरी डॉटर है। सेड माई मदर, मेरी मदर मिसेस डॉलिंग से कहती है कि ये मेरी बेटी है। सी बैक ऑन मी, बैक ऑन मीन्स इशारा करके मेरी मदर बुलाती है। द वूमेन नॉडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉट रैक, और वूमेन नॉडेड कर देती, सर हिला देती है, और उसने बहुत सारे सूटकेस पकड़े हुए हैं द अंडर द कॉट रैक। शी वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, और उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ है, हैट है उसका शेपलेस है, कोई शेप नहीं है। डज सी लिव फॉर अवे आई आस्क्ड सीइंग द डिफ़िकल्टी सी हैड गोइंग आउट द हाउस विद द हैवी केस, और वे मेरे घर में जब आती है और फिर जब जाती है तो बहुत सारे हैवी सूटकेस लेके जाती है और उनको उठाना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, अब ये लोग कहाँ रहते हैं, मार्कोनी स्ट्रीट में। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा नंबर 46 रिमेंबर दैट। अब जो मिसेस डॉलिंग है वो तो चली जाती है और इसकी मदर नैरेटर को कहती है कि मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं और उनका जो एड्रेस है वो क्या है, नंबर 46, ये तुम रिमेंबर रखना, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे ये याद है, बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, परंतु वहाँ जाने के लिए मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इनिशियली आफ्टर द लिब्रेशन, आज़ादी के बाद आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर्स स्टफ्स एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट। जब आज़ादी के बाद एब्सोल्युटली मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था जो मेरी मदर ने भरी हुई थी, मतलब जो मेरी मदर की सब चीज़ें थी उनमें, क्योंकि मैं उन सब चीज़ों से बहुत डरी हुई थी। अफ्रेड ऑफ बींग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और ये मेरा डर था, ये इस वजह से था क्योंकि वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि उनका कनेक्शन मेरी मदर के साथ था, मेरी मदर से बिलोंग करती थी, क्योंकि शायद अब वो हो सकता है इनकी मदर अब मर चुकी हो, तो ये बोलती कि अब वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। विच वर हिडन अवे इन द कबोर्ड एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन। अब जो चीज़ें कबर्ड और बॉक्सेज में भरी पड़ी हैं, वेन मतलब बेकार में, अब वो क्या इंतज़ार कर रही हैं कि वापस से वो अपने प्लेस में फिर से उनको रखा जाए। विच हैड इंडर्ड ऑल दीज ईयर्स बिकॉज दे वर थिंग्स, अब वो वैसी की वैसी हैं जैसे काफ़ी सालों पहले थी, क्योंकि वो थिंग्स हैं, चीज़ें हैं। अगर ह्यूमन होते, इंसान होते हैं, वो तो समय के साथ चेंज हो जाते हैं, बट ये तो थिंग्स थी, तो ये ऐसी ही थी जैसे पहले वो लोग छोड़ कर गए थे। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन ग्रेजुअली थोड़े दिन में सब कुछ वैसा ही हो जाता है। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, ब्रेड है उसका कलर लाइटर हो जाता है, पहले डार्क होता है लेकिन जो लाइटर कलर का ब्रेड होता है वो अच्छा ब्रेड होता है, सॉफ्ट होता है, इसीलिए अब उनको अच्छा ब्रेड मिलने लगा लाइटर कलर का। देर वॉज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटेंट ए रूम विद ए व्यू You were more used to glancing at each day. अब वो बिना किसी डर के सो सकते थे और जिस रूम में रहते थे उनका व्यूज भी ऐसा ग्लैंसिंग वाला होता था, बहुत अच्छा व्यूज आता था। एंड वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पजेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। अब मुझे एक दिन क्यूरियसिटी हुई कि मैं वापस वहाँ पर जाऊँ उस एड्रेस पे जहाँ पे ये लोग पहले रहते थे अपनी थिंग्स के लिए। आई वॉन्टेड टू सी दैम टच रिमेंबर, और मैं चाहती थी उन चीज़ों को देखूँ, टच करूँ और अपनी यादें हैं वो ताज़ा करूँ। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डॉलिंग्स हाउस आई डिसाइड टू ट्राई सेकेंड टाइम,
अब आप लोगों को पता है कि मिसेस डॉर्लिंग के घर उसकी जो फर्स्ट विजिट थी वो तो वेस्ट गई। अब उसने डिसाइड किया कि वो सेकेंड टाइम ट्राई करेगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। मैंने पूछा अगर आपकी मदर घर पे है। नो सी सैड, उसने कहा नहीं, माई मदर इज़ डूइंग एन इनरॉड। मेरी मदर है वो इनरॉड मतलब शॉर्ट टाइम के लिए कहीं बाहर गई है। नो मैटर आई सैड, मैंने कहा आई विल वेट फॉर हर। कोई बात नहीं, मैं तब तक इंतज़ार करूँगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक यू।